भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय चुनाव प्रबंधन मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता में बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने कहा कि अब तक 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। हर चरण के चुनाव में लोगों का रुझान मोदी जी के प्रति बढ़ता गया है, क्योंकि लोग जानते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी विकास होगा। लोगों से अब तक के चुनाव में मैंने जो जनसंपर्क किया उससे पता चला है कि मोदी जी की लहर नहीं सुनामी चल रही है। गठबंधन के लोग अपनी हार होती देख कर अब शब्द पर उतर आए हैं, लेकिन राजनीति में अब शब्द की जगह नहीं होती। गठबंधन की हवा नहीं है बल्कि वो हवा हो चुकी है। ये स्वार्थ का गठबंधन है। सपा ने पहले कांग्रेस से गठबंधन किया और पहले गालियां देते थे, ऐसी बसपा से गठबंधन किया, जनता इस स्वार्थी राजनीति को खूब समझ रही है। इस चुनाव में 2014 की अपेक्षा मतदाता बढ़े हैं तो भाजपा का वोटर भी बढ़ा है। अब तक जहां जहां चुनाव हो चुके हैं वहां मतदाताओं की लंबी कतारें रही हैं जो मोदी जी को वोट देने के लिए बाहर निकले हैं। महिलाएं भी भारी मात्रा में वोट देने बाहर निकल रही हैं। एक सभा में मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि मोदी जी ने हमारे लिए बहुत किया है, अब समय आ गया है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। मोदी जी के डर से गठबंधन किया गया है, हमने देश के गरीबों के लिए काम किया है, उनका गठबंधन हमारी मजबूती का प्रमाण है। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती सपा को गालियां देते नहीं थकती थी, लेकिन आज सत्ता के लिए उन्हीं से गलबहियां करके घूम रही हैं। जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। विपक्ष बौखलाया हुआ है, जनता सब देख रही है। मैं जनता से अपील करती हूं कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कीजिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने कहा, मैं गोरखपुर आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से मिलकर। और 5 चरणों का चुनाव अभी तक पूर्ण हो गया है, 2 चरण और बाकी हैं। और जिस तरीके से लोगों में मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से लोग एक जो उनका रुझान था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर, माने मोदी जी को लेकर, माने योगी जी को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मोदी जी की लहर नहीं मोदी जी की सुनामी है। क्योंकि जनता चाहती है और जानती है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माने मोदी जी इस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी सही मायने में इस देश का विकास होगा। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि ऐसा लोगों से मिलकर, लोगों के बीच में जाकर, क्योंकि मैं भी एक विधायक हूँ, मैं जाती हूँ लोगों के बीच में। और इन 5 चरणों में मैं अलग अलग जगहों पर गई हूँ, जिस तरीके से मैंने लोगों से मुलाकात की, उनसे मैं मिली हूँ, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर देहात क्षेत्रों में भी गई हूँ। मैंने देखा है जिस तरीके से उन लोगों ने एक मोदी जी के लिए, जो वो कहते थे कि मोदी ने हमारे लिए काम किया है, हम मोदी को वोट देंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मोदी जी की लहर नहीं मोदी जी की सुनामी चल रही है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और पिछले बार के रिकॉर्ड को भी हम तोड़ने जा रहे हैं। देखिए, जब मुझे लगता है अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जिस तरीके से विपक्ष जिस तरीके की राजनीति करते आए हैं और वो चाहते हैं, वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मैं गठबंधन की बात करूंगी कि उन सपा ने पहले कांग्रेस से गठबंधन किया 2017 के चुनाव में, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए, लेकिन जब सिद्ध नहीं हो पाया तो 2019 के चुनाव में वो बसपा से उन लोगों ने गठबंधन किया। बुआ भतीजे का गठबंधन चल रहा है और लोग देख रहे हैं। जिन पार्टी की बात मैं, जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, गठबंधन की बात कर रही हूँ, कांग्रेस की बात कर रही हूँ, शायद इनका ये ट्रेंड है अब शब्दों का प्रयोग करना चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले, चुनाव के बाद भी। अगर आप पिछली बार से अगर कंपेयर करेंगे, 2014 के चुनाव से कंपेयर करेंगे, तो उससे 1% 1.25% बढ़ करके ही आया है। मतदाता भी बढ़े हैं? नहीं, बिल्कुल मतदाता भी बढ़े हैं। और अगर आप मतदाता के बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो कई ऐसी भी चीज़ें हुई हैं कि कई मैंने देखा कि कहीं पर नाम नहीं कट पाया, कहीं पर किसी की मृत्यु हो गई, तो वो चीज़ें भी हैं। लेकिन परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो पहले से परसेंटेज बढ़ी है। और गर्मी भी बहुत है, इस चीज़ को मानना चाहिए। उसके बावजूद मैं कल जिस पोलिंग बूथ पर थी जहां मुझे देना था, मैंने इतने साल में, क्योंकि शुरू से मैं वहां पर ही वोट देते आई हूं, इतने साल में मैंने कभी उतनी संख्या में मैंने नहीं देखा था भीड़। जो मैं सुबह वहां 8 बजे गई हूं, इतनी लंबी लाइन लगी थी, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे देखकर ऐसा लगा कि अब लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं अपने वोट को देने के लिए, अपने अधिकार, मताधिकार को लेकर। आप लोगों ने सुना होगा कि आगरा एक्सप्रेसवे पर एक एक्सीडेंट हो गया था,
उसकी जो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं उनसे एक्चुअली वो मेरे जानने वाली हैं, वो मैं उनसे मिलने गई स्ट्रेचर पे, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं हुई थी, पर उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं मोदी जी को वोट दूँ। कितनी बड़ी बात है, कोई एक महिला जो बेड पर है हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिचुएशन में है और वो कह रही है कि मेरी इच्छा है कि मैं जाकर के मोदी जी को वोट दूँ। डॉक्टर्स पहले तैयार भी हुए लेकिन बाद में इन्फेक्शन का डर था इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया। मैंने सारे अरेंजमेंट्स भी करवा दिए थे अधिकारियों से बात करके कि एक ऐसे पेशेंट जाने वाली हैं, बट फिर लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया। तो ये है लोगों का प्यार मोदी जी को लेकर।